कौन नहीं जानता कि तालिबान कितना क्रूर है? कौन नहीं जानता कि शरिया की आड़ में तालिबान ने दहशत का कैसा दयार बना दिया है? इस बात को कौन नहीं जानता कि तालिबान की ओर से बंदूक उठाए लोग किस कदर वहशी हैं? सब जानते हैं मगर सब मानते नहीं हैं। अलग अलग जगह से ऐसी कई आवाजें सुनाई दी हैं जिनमें तालिबान के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। अपने ही देश में कई लोगों ने कहा है कि तालिबान ने जो किया ठीक किया, कुछ ने समर्थन किया है और कुछ ने बधाई तक दे दी। अब सवाल यही है कि आखिर कितने तालिबान? देखिए, बेशक इन दिनों इंसाफ के वास्ते छटपटाते मुल्क का नाम अफगानिस्तान हो, बेशक कौम के नाम पर खौफ के साए में धड़कते हुए मुल्क का नाम अफगानिस्तान हो, बेशक आसमानी कानून की ओट में इंसान होने की न्यूनतम मर्यादा को लांघ जाने का नाम अफगानिस्तान हो, बेशक दीन के नाम पर एक जीते जागते मुल्क को दोजख बना दिया गया हो, लेकिन उस तालिबान से भी कुछ लोगों को मोहब्बत है। समाजवादी पार्टी के सांसद को तो तालिबानी क्रांतिकारी लगते हैं। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में था तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था, अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आजाद रहना चाहते, अपने देश को आजाद कराना चाहते। तो शफीकुर रहमान ये कह गए कि जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, वैसे ही लड़ाई अमेरिका से मुल्ला बरादर, हिब्तुल्ला और जबीउल्ला लड़ रहे हैं। तो अपने देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए, जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते। तो शरिया को अपने सितम का ताज समझने वालों की शान में शफीकुर रहमान ने अपने अल्फाज का रंग गाढ़ा कर दिया, बिल्कुल सफेद बयान, लेकिन इस बयान ने बवाल मचा दिया। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को, किसी सांसद और विधायक को तालिबान के समर्थन में बयान देना पूरी तरह से अनुचित है, गैर जिम्मेदाराना है। बीजेपी तो इंतजार में ही बैठी थी कि शरिया के नाम पर इंसानों की गर्दन उतार देने वालों के समर्थन में कोई कुछ कहे तो सही। समाजवादी पार्टी के मुखिया को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, ये प्रदेश का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है कि उनके सांसद ने हमारे क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनकी तुलना उन्होंने आतंकियों से कर दिया। आतंकी विचारधारा आपकी है, ये सामने आ गई, समाजवादी पार्टी के नेताओं की विचारधारा आतंकियों से मिलती है, ये ISIS का परचय है कि फिर से कोई ISIS को तैयार करके उत्तर प्रदेश या देश के अंदर लाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जिस तरह का बयान उन्होंने तालिबान के फेवर में दिया है। सियासी हंगामा मचा तो शफीकुर रहमान को समझ आया कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करना एक संवेदनशील विषय है, किसी भी मुल्क का यूं बेबस हो जाना एक संवेदनशील विषय है, लोगों का जान बचाकर भागना, रिलियाना और तड़प के मर जाना एक संवेदनशील विषय है। और जब समझ आया तो शफीक साहब अपने बयान से पलट गए। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल गलत है जो मैंने कहा था, ये अल्फाज कहे थे कि मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से, मुझसे क्या ताल्लुक, मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही। सियासी जमातों की दुनिया में बयानों से पलट जाना न पहली बार हुआ है न आखिरी बार, नया बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब तक शफीकुर रहमान पलटते तब तक मुकदमा दर्ज हो चुका था, वो भी देशद्रोह का। भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है, इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
अन्य दो व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी FIR में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हालांकि शफीकुर रहमान कहते हैं कि उन पर ये मुकदमा झूठा दर्ज किया गया है, लेकिन कहने को क्या है, कोई कुछ भी कहे, कलम तो चल चुकी है। लेकिन अकेले शफीकुर रहमान ही नहीं है जिन्होंने तालिबान की शान में कसीदे पढ़े। तालिबान के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी तालिबान की हौसला अफजाई की है। और इस बात पर आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी इस इस्तकामत ने और उसके नतीजे में अल्लाह के फजल से हासिल होने वाली फतह कामरानी ने पूरी दुनिया के मजलूम और दबे कुचले तबकों के हौसलों को यकीनन बढ़ाया है। आने वाले दिन इंशाअल्लाह सबके लिए अच्छी खबरें लाएंगे। लेकिन नोमानी का बयान शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को चुभ गया। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है और उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम तंजीमें खुशी मना रही हैं, बड़े ही अफसोस की बात है। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से जबरदस्त तरीके से तालिबान की मजम्मत करता हूँ। पता नहीं कौन है वो लोग जिन्हें नहीं दिखते वो कट्टरपंथी जो इंसानियत के बुनियादी उसूलों को भूलकर जमहूरियत की गर्दन उतारकर चौराहों पर टांग देते हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ के साथ आज तक।